क्लास में हम लोगों ने वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को डिराइव किया था. सो अकॉर्डिंग टू वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, अकॉर्डिंग टू वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वी हैव लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ओके, दिस इज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. इसी बात पे हम लोग जब इसको लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन में फाइंड करते हैं तो इसके डिफरेंट कुछ फॉर्म्स हैं जिसको अभी हम लोग देखने जा रहे हैं. दिस इज कॉल्ड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वीन्स लॉ. सो फर्स्ट इज वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड दिस लॉ गिव द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ लैम्डा. सो दैट इज ई लैम्डा into d lambda is equal to a lambda to the power 5 function of lambda into t d lambda. This is Wien's distribution law. इसी Wien's distribution law के different टॉ और forms हैं जिसमें से हम लोग second form देखेंगे. वो maximum wavelength के लिए हमारा Wien's displacement law derive होता है, that is lambda m into t is equal to constant. इस सारे जो डेरिवेशन हैं सभी के वीडियोज और नोट्स मिल जाएंगे एक दो दिन में. अगर जिसको पढ़ने की इच्छा वो पढ़ सकता है और जिसको पढ़ना नहीं है उसको रिवाइज कर सकता है. लेकिन ये सब सारे क्वेश्चन जो हैं ऑब्जेक्टिव के लिए पूछे जा सकते हैं इसलिए हम इस सारे को कवर अप कर ले रहे हैं. ठीक है, इसके पास एक्स्ट्रा समय होगा तो वो इस सब प्रॉब्लम्स को देख सकता है. हम इस सब सारे का हम एक वीडियो और नोट्स हम जरूर अवेलेबल करा देंगे. अभी फिलहाल हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जा रहे हैं. सो लैम्डा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज गिवन बाय बी एंड दिस कांस्टेंट वैल्यू इज 0.2898 सेंटीमीटर केल्विन. ओके, दिस इज आल्सो कॉल्ड वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ वेयर लैम्डा एम इज द wavelength corresponding to maximum energy के लिए ये wavelength को denote करता है. okay, so ये हमारा हो गया Wien's law. उसी तरह से हम लोग एक और देखते हैं, नंबर ऑफ रेजोनेटर्स. क्योंकि ये सारे जो हैं ऑक्सीलेट कर रहे हैं सारे एनर्जी फॉर्म के कि जब भी हम लोग किसी भी रेडिएशन को एक इनक्लोजर के अंदर रखते हैं तो उसके वॉल्स जो होते हैं वो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होने के चलते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करते हैं. और दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के चलते क्या होता है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन अंदर में होता है और मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के चलते क्या होता है वी हैव स्टेशनरी वाइब्रेशंस एंड दिस स्टेशनरी वाइब्रेशन के चलते जो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं दे आर फॉर्म रेजोनेटर और ऑक्सीलेटर. रेजोनेटर प्रोड्यूस करते हैं. सो द नंबर ऑफ रेजोनेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम लाइंग इन frequency range nu and nu plus d nu, this is given by, ये हम लोग सिर्फ डायरेक्टली हम लोग करेंगे इक्वेशन के फॉर्म में है. सो इसमें हम लोग फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मोड्स कितने मोड्स में है. जैसे
एक वेव है, और वेव जो है इस तरह से हमारा मूव कर रहा है, साइनसोइडल वेव. सो ये जो हमारा पॉइंट्स है, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड मोड्स. ठीक है. सो द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम विद इन फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू इज गिवन बाय 8 पाई. हम लोग सिर्फ इक्वेशन हमें यूज कर रहे हैं, 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू डिवाइडेड बाय सी क्यू. इसी से फिर हमारा एक नेक्स्ट लॉ आता है, दैट इज कॉल्ड रिले जीन्स लॉ. ये भी हम लोग अभी डिराइव नहीं करेंगे, रिले जीन्स लॉ. सो रिले जीन्स लॉ जो है दैट हम लोग एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे. तो इसका एक्सप्रेशन जो होता है क्लासिकली और क्वांटम मैकेनिकली, दैट इज ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई के इंटू टी डिवाइडेड बाई लैम्डा टू द पावर 4 डी लैम्डा. ठीक है, ये हम लोग करेंगे लेकिन थोड़ा कुछ इम्पॉर्टेंट क्लास करने के बाद. और ये जो दोनों के बीच में अगर हम लोग कंपेरिजन कर लें, इस साइड अगर हम लोग लिखें वीन्स लॉ और इधर हम लोग ले रिले जीन्स लॉ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछा जाता है ये रिले जीन्स लॉ. सो रिले जीन्स लॉ, वीन्स लॉ जो है ये किस कर्व के लिए फोटो होता है, ये होता है शॉर्टर वेवलेंथ एट लोअर टेम्परेचर. और रिले जीन्स लॉ जो होता है वो होता है लॉन्गर लॉन्ग वेवलेंथ एट हाइयर टेम्परेचर. दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस यही है. ठीक है, वीन्स लॉ और रिले जीन्स लॉ. अब आते हैं हमारे जो सबसे लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज प्लैंक्स लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन. प्लैंक्स रेडिएशन लॉ. सो व्हाट इज प्लैंक्स रेडिएशन लॉ? सो प्लैंक्स ने एक एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड किया, जिसने ऑब्जर्व डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी स्पेक्ट्रम को देखा थर्मल रेडिएशन का, ब्लैक बॉडी का, और कुछ अपना एजम्पशंस किया जिसको उनके नाम दिया प्लैंक हाइपोथेसिस. तो उसको हम लोग देखेंगे और उसके बाद फिर उसका हम लोग फाइंड करेंगे एक्सप्रेशन. सो प्लैंक फाउंड एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला to explain the experimentally observed distribution of energy observed distribution of energy in the spectrum of spectrum of a black body. The formula
may be deduced using some assumptions called, these assumptions are called Planck's hypothesis. इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लैंक्स के हाइपोथेसिस कहते हैं. हाइपोथेसिस किसको कहते हैं, जो एजम्स एज्यूमेशन कहते हैं, जिसका हम लोग थ्योरेटिकली प्रूफ बाद में करते हैं, दीज आर कॉल्ड प्लैंक हाइपोथेसिस. सो दिस इज हाइपोथेसिस. सो देयर आर टू हाइपोथेसिस. फर्स्ट इज ए रेडिएशन चैम्बर, रेडिएशन चैम्बर इज फिल्ड विथ black radiation the walls of chamber is formed of molecules which can vibrate with all possible frequencies. All frequencies, and these molecules are called, and these molecules are called resonators. Resonators, and can exchange energy with radiation. Okay, these vibration of resonators entails on 1 degree of freedom. इसका सभी का एक ही degree of freedom होता है, एक से ज्यादा degree of freedom नहीं होता है. Number two, जो सबसे important assumption है, the oscillators जो vibration oscillate कर रहा है, or which is also called resonators, can not radiate or absorb energy continuously. लगातार energy continuous नहीं करता है, लेकिन ये discrete amount में करता है. Discrete amount मतलब अलग अलग, लगातार continuously energy को radiate या absorb नहीं करता. But an oscillator of frequency nu can only radiate or absorb energy in units of इन यूनिट्स, और दिस यूनिट्स आर कॉल्ड क्वांटा, जिसको हम लोगों ने प्लैंक्स लॉ में भी देखा है. क्वांटा ऑफ मैग्नीट्यूड, प्लैंक्स लॉ में हम लोग जानते हैं कि एनर्जी जो होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा होता है. क्वांटा इज द एनर्जी का बंडल, पैकेट्स होता है, और इसका वैल्यू होता है एच न्यू. सो दिस इज एच इज द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट. सो एच न्यू, वेयर एच is a universal constant called Planck's constant. Having value six point six two
into 10 to the power minus 34 joule second. Okay, so this assumption is the most important assumption in this Planck's hypothesis. So in other words, we can say this discrete nature ka hota hai, matlab har ka har energy spectrum ka alag alag energy ka value hoga, ki same sab ka ek hi energy value nahi hoga. So we can say that in other words this states that exchanges of energy between radiation and matter cannot take place continuously, लगातार कोई भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन या फिर एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, बट आर लिमिटेड, ओके, दे आर लिमिटेड टू डिस्क्रीट सेट्स ऑफ वैल्यू, टू डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज 0, क्योंकि एनर्जी के फॉर्म में है तो एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू हो रहा है. सो 0 फर्स्ट वैल्यू इज 0, सेकेंड वैल्यू इज एच न्यू, थर्ड वैल्यू इज 2 एच न्यू, देन 3 एच न्यू. इस तरह से अगर हम nth के लिए फाइंड करें तो n एच न्यू, ठीक है, nth पार्टिकुलर दैट इज इन द मल्टीपल ऑफ some small unit called, simply it is called a quantum or the quantum. Now next we will have to find the average energy of the Planck. So ये तो हम लोग अलग अलग find कर लिया, इसके बाद हम लोग find करेंगे एवरेज एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे. एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक्स ऑसिलेटर, ठीक है. सो इफ कैपिटल एन is the total number of Planck's resonators, मतलब resonators क्या है, oscillators है जहां से हमारा energy radiate हो रहा है. so total number of मान लेते हैं एक enclosure में इतने सारे मेरे energy के resonators हैं या oscillators हैं. so resonators, okay, and capital E is the total energy. So average energy क्या हो जाएगा, एवरेज हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, टोटल एनर्जी डिवाइड बाई नंबर ऑफ रेजोनेटर्स. सो ये हो जाएगा देयरफॉर एवरेज एनर्जी पर प्लांक्स ऑक्सीलेटर्स is equal to, इसको हम लोग डिनोट करेंगे एप्सिलॉन बार से, is equal to capital E divided by capital N. Select this equation number 1. अब मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में बताया गया था कि एक एनर्जी जो है वो हमारा अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन लॉ, एनर्जी जो होता है वो होता है ई टू द एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस ई डिवाइडेड बाय के टी, वेयर ई इज द एनर्जी एंड के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो यहां पर भी हम लोग अलग अलग के लिए अलग अलग फाइंड करेंगे.
So according to Maxwell's law of molecular motion, if epsilon is the energy, the number of molecules having energies they are 0, epsilon, 2 epsilon, dot dot dot, r epsilon, ठीक है, r in the ratio, पहले वाले के क्या हो जाएगा, अगर 0 put करेंगे energy के जगह पे तो हो जाएगा हमारा e to the power 0 is equal to 1, then उसके बाद हमारा e to the power एप्सिलम पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस एप्सिलम डिवाइडेड बाय केटी, दूसरे के जगह पे फिर ई टू द पावर माइनस टू एप्सिलम डिवाइडेड बाय केटी, नेक्स्ट ये हम लोग लेंगे ई टू द पावर माइनस आर एप्सिलम डिवाइडेड बाय केटी, ओके एक्सेट्रा, ओके लेट दिस इज इक्वेशन नंबर, ये अलग अलग के लिए अलग अलग हम लोगों ने फाइंड किया। अब आते हैं आगे, इफ एन नॉट इज द नंबर ऑफ रेजोनेटर्स हैविंग जीरो एनर्जी या एनर्जी जीरो, जिसका एनर्जी जो है वो जीरो है, देन the number of resonators N1 having energy epsilon will be, ये हो जाएगा हमारा N0 e to the power minus epsilon divided by kT, मतलब पहले वाले के लिए एवरेज वैल्यू मतलब शुरुआत का वैल्यू जिसका जीरो एनर्जी है उसके, और ई टू द पावर माइनस एटी जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ में हम लोगों ने देखा था, ठीक है। सो ये ऐसे होता भी है, ये पहले हम लोगों ने पढ़ा नहीं है लेकिन हम लोगों ने ये देखा, ये होता है ये, ठीक है। सो एन नॉट हो गया हमारा जीरो एनर्जी और एन वन के लिए एन नॉट, ठीक है। उस तरह से एन टू के लिए हम लोग फाइंड करेंगे सेम मैथड से, the number of resonators N2 having इसका एनर्जी क्या है हमारा 2 एप्सिलम, हैविंग एनर्जी 2 एप्सिलम विल बी, ये क्या हो जाएगा फिर हमारा इनिशियल दैट इज एन नॉट ई टू द पावर माइनस 2 एप्सिलम डिवाइडेड बाय केटी। So, in general, rth के लिए हम लोग क्या find करेंगे, जो हम लोगों ने rth term यहाँ पे use किया है, तो in general, the number of resonators nr, ठीक है, in general term use कर रहे हैं, having energy R epsilon, उसके लिए तो हमारा R epsilon है, will be, ये क्या हो जाएगा, N naught e to the power minus R epsilon divided by KT, and so on, इस तरह से और आगे का भी हम लोग find कर सकते हैं। So total find करने के लिए, total number of molecules find के लिए हम लोग क्या करना होगा, सबको add करना होगा,
टोटल हमारा हो जाएगा therefore n is equal to n naught plus n1 plus n2 plus इस तरह से हम लोग rth टर्म के लिए लिख सकते हैं और इस तरह से इनफाइनाइट सीरीज के लिए लिख सकते हैं। सबका वैल्यू पुट करते हैं, n नॉट तो n नॉट ही है, n1 हमारा क्या है n नॉट e टू द पावर माइनस एप्सिलम बाय kt, n2 क्या है n नॉट e टू द पावर माइनस 2 एप्सिलम डिवाइडेड बाय kt। इस तरह से हमारा rth टर्म क्या है n नॉट e टू द पावर माइनस r एप्सिलम डिवाइडेड बाय kt एंड दिस इज ऑन इनफाइनाइट सीरीज है हमारा। तो सब में हम देख रहे हैं n नॉट कॉमन है तो हम लोग लिख सकते हैं n इज इक्वल टू n नॉट कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 प्लस e टू द पावर माइनस एप्सिलम डिवाइडेड बाय kt, e टू द पावर माइनस 2 एप्सिलम डिवाइडेड बाय kt प्लस डॉट 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 प्लस e टू द पावर माइनस r एप्सिलम डिवाइडेड बाय kt एंड सो ऑन। ओके नाउ लेट, अब इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लेना है तो हम लोग मान लेते हैं पुटिंग e टू द पावर माइनस kt इज इक्वल टू y। ओके सो हमारा पहला टर्म क्या हो जाएगा, देयर फोर वी हैव n इज इक्वल टू n नॉट 1 प्लस दिस इज y, और अगर हम y स्क्वायर करेंगे तो यहाँ p टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा तो सेकेंड टर्म हमारा हो जाएगा y स्क्वायर। कैसे होगा y स्क्वायर अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देखें तो y स्क्वायर अगर करना चाहे तो क्या होगा, e टू द पावर माइनस एप्सिलम बाय kt का स्क्वायर करना होगा, हम लोग जानते हैं पावर में हम लोग क्या करते हैं 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, e टू द पावर माइनस 2 एप्सिलम बाय kt हो जाएगा। उसी तरह से बाकी टर्म इस तरह से चलेंगे और हमारा आर एफ टर्म के लिए क्या हो जाएगा, वाई टू द पावर आर प्लस दिस दैट। ठीक है सो ये हमारा एक सीरीज चला गया, वन प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर आर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये एक इनफाइनाइट सीरीज हो गया। ठीक है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा इस इनफाइनाइट सीरीज का, तो ये हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई। ये हम लोग पढ़े हैं जीपी में कि अगर हमारा टर्म रहे 1 प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस दिस तो इसका जो एस इंफिनिटी होता है दैट विल बी इक्वल टू 1 फर्स्ट टर्म दैट इज ए, तो फर्स्ट टर्म हमारा ए है तो फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई, सो ये हमारा हो गया 1 डिवाइडेड बाय वाई। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे n नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई, दिस इज n, ये कहाँ से आया जीपी से ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से। सो हम लोग n इज इक्वल टू n नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ना टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन हमारा था, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन, उसमें हम लोग इस सारे के वैल्यूज को, so therefore the total energy energy of Planck's resonators will be क्या हो जाएगा E total energy is equal to 0 into n naught, पहला एनर्जी का वैल्यू क्या है 0, दूसरा क्या है एप्सिलम, दूसरा 2 एप्सिलम, इस तरह से सब टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा। सो पहला 0 into n naught, दूसरे पार्टी के लिए क्या हो जाएगा एप्सिलम into n1, तीसरे पार्टी के लिए क्या हो जाएगा 2 एप्सिलम into n2,
इसी तरह से हमारा आरएफ पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, एन एप्सिलम इंटू एन आर एंड सो ऑन। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 0 × n₀ इज इक्वल टू 0, एप्सिलम n₁ का वैल्यू है n₀ टाइम्स ई टू द पावर माइनस एप्सिलम के टी, अभी हम लोगों ने फाइंड किया, 2 एप्सिलम, फिर n₂ का वैल्यू है n₀ ई टू द पावर माइनस 2 एप्सिलम डिवाइडेड बाई के टी एंड सो ऑन, एंड दिस आर एप्सिलम इंटू n₀ ई टू द पावर माइनस आर एप्सिलम डिवाइडेड बाई के टी एंड सो ऑन। ठीक है, सो फिर यहाँ पे क्या कॉमन सब में, हम लोग देख रहे हैं सब में कॉमन है n₀ एप्सिलम कॉमन। सो फर्स्ट टर्म हो जाए ई टू द पावर माइनस एप्सिलम डिवाइडेड बाई के टी, सेकेंड टर्म 2 टाइम्स ई टू द पावर माइनस 2 एप्सिलम डिवाइडेड बाई के टी। इस तरह से हमारा लास्ट आरएफ टर्म हो जाएगा आर टाइम्स ई टू द पावर माइनस आर एप्सिलम डिवाइडेड बाई के टी एंड सो ऑन। ओके, अगेन हम लोग क्या पुट करेंगे, ई टू द पावर यहाँ पे हम लोग सब्सिट्यूट किया है, ई टू द पावर माइनस एप्सिलम के टी इज इक्वल टू वाई, अगेन ई टू द पावर माइनस एप्सिलम के टी इज इक्वल टू वाई, देयर फोर ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n₀ एप्सिलम, ये हो जाएगा हमारा वाई, दूसरा टर्म 2y² इस तरह से हमारा, और भी टर्म लिख सकते हैं 3y³ इस तरह से, तो ये हो जाएगा हमारा आर आर एंड सो ऑन। ओके, सो हम मान लेते हैं दिस इज एस, ये जो हमारा समेशन है ये तो इजीली सॉल्व नहीं हो सकता है, सो ई इज इक्वल टू n₀ एप्सिलम इनटू एस, वेयर कैपिटल एस इज इक्वल टू वाई प्लस 2y², थर्ड टर्म भी लिख लेते हैं 3y³ होगा ये, इस तरह से आर वाई टू द पावर आर प्लस ऑन। अब इसको हम लोग सॉल्व करना है इसको, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जैसे हम लोग ये है हमारा अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको सीरीज में, जिसमें एपी और जीपी दोनों है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एपी अगर देखें तो यहाँ पे 1 × 2 × 3 × करते जा रहा है, और यहाँ जीपी भी है, तो इस तरह के सीरीज को हम लोग तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वाई से, सो ये हो जाएगा एस इंटू वाई, तो ये हो जाएगा 2y³ प्लस 3y⁴ प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये हो जाएगा आर वाई टू द पावर आर प्लस 1, और इसका बैक वाला एक टर्म क्या होगा आर माइनस 1 वाई का पावर आर, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने वाई से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब क्या करते हैं, हम इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको सीरीज क्लास 11th में सभी ने बनाया होगा, तो ये हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एस कॉमन 1 - y, और जब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कुछ कुछ टर्म्स हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो y का टर्म तो रहेगा ही, 2y से ये y² कैंसिल होगा तो बनेगा y², उसी तरह से 3y³ से 2y³ के डिफरेंट माइनस होगा तो होगा y³, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, और लास्ट टर्म हमारा जब इस दोनों से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा y टू द पावर r एंड सो ऑन। सो ये देख रहे हैं कि ये क्या बन गया हमारा, ये एक बन गया हमारा जीपी, और इस जीपी का वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 - y, दिस इज कॉल्ड जीपी, दैट इज इनफाइनाइट सीरीज। सो एस टाइम्स 1 - y इज इक्वल टू दिस, सो एस इज इक्वल टू हो जाएगा वाई डिवाइडेड बाय 1 - y का होल स्क्वायर। ओके, सो एस का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं इसको साइड में रहने, इसको सॉल्व करके दिखाना होगा जरूर एग्जाम में, सो दैट इज ई इज इक्वल टू n₀
एप्सिलम, और एस के जगह पे हमारा हो जाएगा वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस वाई का होल स्क्वायर, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर फोर. ओके, देयरफॉर द एवरेज एनर्जी ऑफ रेजोनेटर विल बी, क्या हो जाएगा, हम लोगों ने देखा था एप्सिलम बार इज इक्वल टू, हम लोग लिखा था ई बाई एन. सो ये हो जाएगा ई, ई के जगह पे हम लोग पुट करेंगे एन नॉट एप्सिलम वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन का वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड किया था, इक्वेशन नंबर थ्री में फाइंड किया एन का वैल्यू, एन नॉट डिवाइडेड बाय एन वन माइनस वाई. सो दिस इज एन नॉट डिवाइडेड बाई वन माइनस वाई. तो ये हम लोग सॉल्व करेंगे और सबका वैल्यू, और वाई का वैल्यू हमारा क्या है, वाई इज इक्वल टू है हमारा ई टू द पावर माइनस एप्सिलम डिवाइडेड बाई के टी. तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो एन नॉट कैंसिल, सो वी हैव एप्सिलम वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस वाई का होल क्यूब. सो ये हो जाएगा एक मिनट, गलत हम लोग लिख रहे हैं. एप्सिलम y डिवाइडेड बाई वन माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस वाई डिवाइडेड बाई वन. सो यहाँ से एक वाई स्क्वायर, यहाँ से एक वन कैंसिल. सो वी हैव एप्सिलम y डिवाइडेड बाई वन माइनस वाई. सो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू पुट कर देंगे एप्सिलम टाइम्स ई टू द पावर माइनस एप्सिलम डिवाइडेड बाई के टी डिवाइडेड बाई वन माइनस ई टू द पावर माइनस एप्सिलम डिवाइडेड बाई के टी. ओके, सो ये हमारा एप्सिलम बार का वैल्यू हो गया. तो देयरफॉर एप्सिलम बार दैट इज एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू एप्सिलम. अब हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है. तो अगर यहाँ से हम कॉमन ले लें, सो एप्सिलम ई टू द पावर माइनस एप्सिलम बाई के टी डिवाइडेड बाई, अगर यहाँ से हम लोग ई टू द पावर माइनस एप्सिलम बाई के टी ले लें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके ऑपोजिट साइड से मल्टीप्लाई करना होगा. तो ये हो जाएगा ई टू द पावर एप्सिलम बाई के टी, और ये हो जाएगा वन. तब ना इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वन होगा हमारा. तो ये तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कैंसल कर देंगे. तो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नहीं मैंने ये वैल्यू हो जाएगा एप्सिलम डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एप्सिलम बाई के टी माइनस वन. ओके, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर फाइव, ठीक है. अब इक्वेशन नंबर फाइव के बाद हम लोग आते हैं प्लैंक्स हाइपोथेसिस को यूज करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू Planck's hypothesis of, अब आते हैं क्वांटम अप्रोच में, क्वांटम थ्योरी क्या कहता है कि एनर्जी जो होता है वो एच न्यू के फॉर्म में होता है. देयरफॉर एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक्स ऑक्सीलेटर इज गिवन बाय एप्सिलम बार इज इक्वल टू एच न्यू, जहां जहां एप्सिलम है वहां पे क्या पुट कर देंगे एच न्यू, e to the power h nu divided by kt minus 1. Let this is equation number 6. Okay. अब आते हैं इसके पहले वाले equations में. The number of resonators between
frequency range nu and nu plus d nu is given by, kya hota hai value, n nu d nu is equal to 8 pi nu square divided by cq. इसको अभी हम लोगों ने देखा थोड़ा सा पहले, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट में हम लोगों ने लिखा था 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू डिवाइडेड बाय सी क्यू. तो 8 पाई न्यू स्क्वायर सी क्यू, दिस इज इक्वेशन नंबर 7. ओके, नाउ द एनर्जी डेंसिटी, नाउ एनर्जी डेंसिटी बिलोंगिंग टू the range d nu can be obtained. हमको energy density find करना है. So this energy density can be obtained by multiplying average energy of Planck's oscillators by number of oscillators per unit volume. Number of oscillators, तब ये आ जाएगा हमारा क्या, energy density, number of oscillators per unit volume. Okay, so in this frequency range, in the frequency range, in the frequency range nu and nu plus d nu, तो क्या हो जाएगा हमारा, e nu d न्यू इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या कहा कि नंबर ऑफ को नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर हमारा क्या है, दिस डी न्यू डिवाइडेड बाय सी क्यू. इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एवरेज एनर्जी से. एवरेज एनर्जी हम लोगों ने क्या फाइंड किया है, एच न्यू डिवाइडेड बाय, अभी हम लोगों ने फाइंड किया एवरेज एनर्जी, ये नंबर सिक्स में, सिक्स और सेवन को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे डी न्यू लगाना है. तो this is h nu divided by e to the power h nu divided by kt minus 1. So agar ye multiply kar de to ye ho jayega 8 pi h nu q divided by cq 1 divided by e to the power h nu divided by kt minus 1. This is d nu. E nu d nu given by equation number 8. Okay. So where e nu d nu is energy density, that is total energy per unit volume, total energy per unit volume to the range d nu, to the range d nu. This equation, equation 8, is called Planck's radiation law. इसी को हम लोग कहते हैं Planck's का radiation law. क्योंकि हम लोगों ने क्वांटम अप्रोच यहां पे यूज कर लिया, इसलिए हम लोग क्वांटम अप्रोच क्या यूज किया, एच न्यू के फॉर्म में. क्वांटा जो एनर्जी है वो क्वांटा के रिस्पेक्ट में आते हैं.
अब इसी इक्वेशन का कुछ हम लोग मॉडिफाइड फॉर्म भी देखते हैं, कभी कभी ये भी पूछा जाता है. सो द एनर्जी डेंसिटी ई लैम्डा डी लैम्डा बिलोंगिंग टू रेंज डी लैम्डा कैन बी ऑब्टेन्ड. ये हम लोगों ने न्यू के फॉर्म में फाइंड किया. अब अगर हम वेवलेंथ के फॉर्म में फाइंड करने जाएं तो कैसे फाइंड करेंगे? तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी का जो न्यू का टर्म है उसको हम लोग को चेंज करना होगा या रिप्लेस करना होगा विथ क्या लैम्डा से. सो कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द रिलेशन. कौन सा रिलेशन हम लोग जानते हैं? C इज इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा. तो यहां से हमारा न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा C बाय लैम्डा. तो अगर हम लोग यहाँ पे d न्यू ले, सो d न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस C बाय लैम्डा का हो जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर d न्यू d लैम्डा. ओके, और अगर हम इसका सिर्फ मॉडुलस ले तो ये हो जाएगा C बाय माइनस का प्लस C बाय लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा. हम लोग सिर्फ फ्रिक्वेंसी रेंज के बारे में जब फाइन करते हैं तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं. सो हमारा इक्वेशन 8 हो जाएगा. देयरफॉर इक्वेशन 8 बिकम्स, सो ये हमारा न्यू जो है अब लैम्डा में चेंज हो जाएगा. तो हम लोग लिखेंगे ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच पाई सी क्यू. और उसके बाद हमारा क्या टर्म है? न्यू क्यू. तो न्यू क्यूब के जगह पे न्यू के जगह क्या लिखेंगे? सी बाय लैम्डा का क्यूब. तो ये हो जाएगा सी क्यूब लैम्डा क्यूब. ओके, एंड देन वी हैव 1 डिवाइडेड बाय एच न्यू के टी. तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एच न्यू. तो एच न्यू के जगह पे हम लिखेंगे एच सी बाय लैम्डा के टी. उन्होंने न्यू का वैल्यू रिप्लेस कर दिया, न्यू के जगह पे सी बाय लैम्डा पुट कर दिया. सो एच सी लैम्डा के टी माइनस 1, एंड यहाँ पे हो जाएगा मॉडुलस वैल्यू दैट इज सी बाय लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा. सो कौन कौन से टर्म कैंसिल हो रहे हैं? दिस सी स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं, बाकी तो कोई टर्म्स कैंसिल नहीं हो रहा है. नहीं, सो हमारा फाइनल हो जाएगा ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच, इसी को साथ में ले लेते हैं, एच बाय सी डिवाइड बाय लैम्डा टू द पावर 3, और लैम्डा का पावर 2 हो जाएगा लैम्डा टू द पावर 5. फिर डी लैम्डा डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा के टी माइनस 1. सो दिस इज प्लैंक्स रेडिएशन लॉ इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ. This question number 9. So 9 और 8 जो है हमारा प्लैंक्स लॉ है. ये जो है फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में है, और ये हमारा जो है वो किसके फॉर्म में है? वेवलेंथ के फॉर्म में है. ठीक है, अब इसमें दो केस आता है कि इसके कुछ स्पेशल केसेस. जैसे हम लोगों ने देखा था कि जब शॉर्टर वेवलेंथ हो, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था एग्जाम्पल्स में कि वीन्स लॉ जो है शॉर्टर वेवलेंथ और लोअर टेम्परेचर के लिए ये वीन्स लॉ होता है, और लॉन्ग वेवलेंथ और हायर टेम्परेचर के लिए रिले जीन्स लॉ होता है. तो इसके स्पेशल केसेस को हम लोग डिस्कस करते हैं. तो हम लोग इसी केस को डिस्कस करते हैं फॉर स्पेशल केस, केस नंबर 1 फॉर shorter wavelength okay shorter wavelength के लिए जो e का टर्म होगा e to the power h c divided by lambda k t that becomes very large. क्यों? lambda का टर्म नीचे में है, very large
कंपेयर टू यूनिटी, मतलब इस वन से, ये जो हमारा वन है इसके रिस्पेक्ट में ये काफी ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू यूनिटी। हेंस अगर बड़े क्वांटिटी में स्मॉल क्वांटिटी को माइनस करें तो हम लोग नहीं लिख रहे, तो इसके जगह पे हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे इस क्वांटिटी को, दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं ई टू दी पावर एच सी लैम्डा के टी माइनस वन इज नियरली इक्वल टू एच सी लैम्डा के टी। वन को हम लोग नहीं यूज करेंगे क्योंकि वन काफी स्मॉल हो गया, देयर फोर हमारा प्लैंक्स लॉ हो जाएगा ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू एट पाई एच सी डिवाइडेड बाई, ओके, एट पाई एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा टू द पावर फाइव वन बाई ई टू द पावर एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा के टी डी लैम्डा। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 8 pi hc divided by lambda to the power 5 e to the power minus hc by lambda kt t lambda, ठीक है, let this is equation number 10 and this equation number 10 is called Wien's law। shorter wavelength के लिए ये बीम्स लॉस का काम करता है। ना हम लोग आते हैं केस नंबर टू पे, सो केस नंबर टू है फॉर लॉन्गर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ के लिए जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, वन बड़ा हो जाएगा और दिस इज स्मॉल हो जाएगा, सो एच सी न्यू हम लोग लिखा, हम लोग लिखेंगे एच सी डिवाइड बाय लैम्डा के टी मे बी अप्रोक्सीमेट करेंगे इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटेड टू सीरीज में इसको ब्रेक करेंगे। हम लोग जानते हैं ई टू द पावर एक्स का सीरीज होता है वन प्लस एक्स प्लस बाकी और भी टर्म, सिर्फ हम दो टर्म तक यूज कर रहे हैं, टू क्या हो जाएगा वन प्लस क्या हो जाएगा एच सी एक्स पे एच सी डिवाइड बाय लैम्डा के टी, ओके, तो इसको हम लोग पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा देयर फोर ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू एट पाई एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा टू द पावर फाइव वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा के टी माइनस वन प्लस वन कैंसल्ड, यहाँ पे डी लैम्डा भी, सो वी हैव एट पाई एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा टू द पावर फाइव लैम्डा ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा लैम्डा के टी डिवाइडेड बाई एच सी टी लैम्डा, ठीक है, तो यहां से अगर हम लैम्डा लैम्डा कैंसिल कर दें, एक लैम्डा यहां से कैंसिल होगा तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा डी लैम्डा इज इक्वल टू एट पाई एच भी कैंसिल होगा एच एच कैंसिल एट पाई के टी डिवाइडेड बाय लैम्डा टू द पावर फोर डी लैम्डा। This is equation number, I think, 11. And this 11 is called, इसको हम लोगों ने आज ही देखा Wien's law, रिले जीन्स लॉ में, ये रिले जीन्स लॉ में 8 pi kt divided by lambda to the power 4 d lambda. So, ये हमारा बन जाएगा रिले जीन्स लॉ, this is रिले जीन्स लॉ. ये कंडीशन पूछे जाते हैं रिले जीन्स लॉ, ठीक है, सो ये हमारा